अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? और आज माशाल्लाह इन लोगों ने हम लोगों के लिए पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, बस हम सब लोग पिकनिक पे जा रहे हैं और ये हमें सरप्राइज दिया है इन्होंने। और आपको दिखाते हैं वहाँ का खूबसूरत कराची का बीच दिखाते हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कोई भी पोर्शन वीडियो का स्किप मत करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। रिंता भी रेडी हो गई हैं और सऊद भाई तैयारी हो गई है, तैयारी हो गई है जबरदस्त और सब चीजें तैयार हैं पिकनिक के लिए, सब लोग निकल रहे हैं। इन्होंने खाना बनाया इसलिए हमारे साथ तैयार है और बाकी बस अब हम निकलते हैं। एक और ड्रामा था ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बहुत मशहूर हुआ था, इसमें बहुत सांवला सा आदमी था। अभी हम लोग जो है ना किवाड़ी के रास्ते में और हम लोग बाय रोड जा रहे हैं इस दफ़ा। वैसे कभी शिप में भी जा सकते हैं आप लोग बोट में, और दो तरह के रास्ते होते हैं इसका, एक बाय रोड और एक बोट में जाते हैं आप लोग। तो आज हम आपको बाय रोड का रास्ता दिखा रहे हैं, साफ सुथरा और बहुत अच्छा रास्ता है। अभी आप देखते जाएँ और हमारे साथ जुड़े रहें। ये इधर नेटी जेटी का पुल आता है इस तरफ और अभी ये सब इसी का रास्ता है, ये किमाड़ी का। ₹100 अब बहुत अच्छी रोड मिल गई है। हाँ। ये सीधी आपको पानी में उतरी, गटर के पानी से सॉल्ट निकाल, इसमें से नमक निकाल। ये समंदर का पानी है, नहीं नजर आ रहा। ये देखे यहाँ पे फ्लैट्स भी बने हुए हैं, कितने अच्छे। आप लोग आके यहाँ पे फ्लैट्स ले सकते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे, आबादी भी हुई है, लोग रह भी रहे हैं। अब हम लोग पहुँच गए हैं तकरीबन, ये रास्ता हमारा हो गया। देखिए बोट वगैरह भी यहाँ पे खड़ी, मनोड़ा का रास्ता शुरू हो गया है। मनोड़ा का रास्ता है, काका पीर रोड जो हम लोग क्रॉस कर रहे थे ना, वहाँ से हम लेफ्ट पे आए तो ये सारा रास्ता सारे हट्स बने हुए हैं। आप लोग बुक करा सकते हैं पहले से, हाँ, और वक्ती तौर पे भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ पे हट, और हर तरह की रेंज में होते हैं। बनाई है क्योंकि ये पानी होता था, अच्छा, और ऊपर हो गई है तो ये अब जितना भी हाइट हाइट होता है पानी ऊपर से भी क्रॉस करता है, तो ब्रिज की जगह इन्होंने रोड ही ऊपर करके बनाया, वरना पानी आ जाता होगा। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पानी है इसके, अच्छा। लोग पहले कश्तियों में जाते थे, रोड कच्चा था यहाँ पे, पहले पानी ऊपर से क्रॉस कर जाता था रात को, फिर मसला होता था। जय
चेक पोस्ट पे रुके थे, वहाँ पे सब हमने अपनी शनाख्त वगैरह करवाई। अब ये दोबारा रास्ता शुरू हो गया और देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत रास्ता है, खूबसूरत देखें कितना प्यारा रास्ता है ये। चलो भाई वेलकम टू मनोड़ा। अब हम मनोड़ा में दाखिल हो गए ना। हो गए, बस आगे से यू टर्न मारेंगे घर। चलो ये मंदिर भी है यहाँ पे, एक बना हुआ पुराना मंदिर बना हुआ है, देखे है बस। हम लोग पहुंच गए, ये पार्किंग एरिया यहाँ का देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ सामने इमाम बारगाह भी बनी हुई है और सब लोग सामान उतार रहे हैं गाड़ी में से, बस गाड़ी में से ये सामान निकाल रहे हैं अभी। पार्किंग से निकलते ही ये शॉप बनी हुई है देखे, और यहाँ पे दुनिया भर का सामान मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आए हैं इतनी दूर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, माशाल्लाह हर चीज़ मिल रही है। डेकोरेशन की चीज़ें तो हैं ही हैं, इसके अलावा खाने पीने का भी बहुत अच्छा सामान मिल रहा है, तैयार खाना भी मिल रहा है, होटल्स भी बने हुए हैं। और आपको मैं सारा अभी दिखाऊंगी, यहाँ के प्राइसेस भी दिखाती हूँ। देखिए तंदूर में रोटियाँ भी लग रही हैं और ज़बरदस्त माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये यहाँ की एंट्रेंस है, यहाँ से अब हम दाखिल होंगे अंदर। और जगह जगह यहाँ पे चेकिंग हो रही है, अच्छी बात है ना, इसी की वजह से तो ये अच्छी यहाँ पे सब कुछ मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। ये फैमिली भी पहुँच गई है दूसरी गाड़ी में और हम लोग तो पहले ही पहुँच गए थे। ये देखें यहाँ पे ये टिकट भी होता है अंदर जाने का, और ये बड़ों के लिए 50 रुपये है, बच्चों के लिए 20 रुपये का टिकट है, आप आराम से जा सकते हैं। और इतना ज़्यादा टिकट नहीं है, इससे भी साफ सुथरा है इसकी वजह से। आकाश जो हमने यहाँ से टिकट लिए ना, ये हमें मिल गए, अब हम इसे आगे जाके स्कैन करेंगे और फिर हम अंदर जा पाए। यहाँ से हम लोग दाखिल हो गए अंदर और यहाँ पे अभी हम स्कैन कराएंगे और फिर हम अंदर जाएंगे बीच पे। ये देखे यहाँ पे आ गए, ये स्कैन हो गया है और बहुत अच्छा प्रोसीजर इन्होंने किया हुआ है। वाह भाई समंदर आ गए, देखें भाई कितना खूबसूरत समंदर है माशाल्लाह से, और कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये पे गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई हैं। देखें यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं और पीछे ये फ्लैट्स वगैरह इनकी रिहाइश होती है यहाँ पर। और देखें कितनी प्यारी, ये बच्चे गाड़ियाँ वगैरह भी चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे तंग कर रहे हैं, पीछे झूले वूले भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और रात में ना शाम होती है ये लाइटें जल जाती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बीच पे बहुत अच्छे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, और ये देखें ये वॉशरूम्स बने हुए हैं यहाँ पे, इनके थोड़े बहुत पैसे होते हैं और ये बहुत अच्छे यूज़ में बिल्कुल साफ़ सुथरे, आप शावर भी ले सकते हैं यहाँ पर और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से व्हील चेयर भी मिल जाती है और इसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको कुछ थोड़े पैसे यहाँ रखवाने पड़ते हैं व्हील चेयर के लिए, और उसके बाद वापसी में आपको वो पैसे मिल जाते हैं। व्हील चेयर के वैसे ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। अभी हम इन्हें चेंज कराने के लिए जा रहे हैं शाहजेब को। कैसा लग रहा है सऊद आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा साफ़ सुथरा। वैसे ये है कि कराची ने काफ़ी डिवेलप हुआ है और खासकर इन्होंने नेवी वालों ने बड़ा अच्छा डिवेलप किया हुआ है। हाँ वाकई अच्छी खूबसूरत इनके अंडर में है, तो वाकई इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, इसमें तारीफ तो है, इनके लिए तारीफ तो बनती है। वॉशरूम से फारिग होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बीच पे। धूप निकली हुई है मगर गर्मी नहीं लग रही है ना सर, गर्मी नहीं, ऐसी के ठंडी हवा है, मज़े की हवा है। बच्चों के लिए देखें यहाँ गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं इन्होंने, आप इसको रेंट दें, और ये बच्चों की एक्टिविटी है। ये हमने एक एरिया ले लिया है, अब मुख्तलिफ एरियाज होते हैं, देखें यहाँ पे कितना प्यारा है, सेटिंग हुई हुई है, खाना शाना बन तैयार है, बिल्कुल खाना लग गया है तो बड़ा अच्छा है। ये देखो ना, ये देखे भाई खाना तैयार है और खाना लग गया है यहाँ पे, मज़ेदार खाना लग गया है। को ज्यादा लगे तो बराबर वाले को दे दो। वीडियो वो बन गई, वीडियो बन गई, बन गई इसमें जो है वो कोल्ड ड्रिंक है आइस बॉक्स में, ये सब वहाँ से फिल करवाई थी,
कभी यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ ऊपर भी बैठ सकते हैं और यहाँ से ये समंदर का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। वाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है और इतना सुकून है यहाँ पे, यकीन करें इंसान अपनी सारी टेंशनें भूल जाए आप आके। मुझे मेरे दिमाग को सुकून मिल रहा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और साफ सुथरा साहिल है। ये भी आ गई है खाना खाने के लिए। अच्छा ये क्या इतना सा पसंद नहीं आया। खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, अब यहाँ बैठे। सऊद कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? और सुकून माहौल लग रहा है ना, और ना गर्मी है ज्यादा ना ठंड है, ठंडी हवा चल रही है, ज्यादा गर्मी नहीं है ठंडी हवा चल रही है। हाँ यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत। अच्छा और ये जो यहाँ पे मतलब मिनी हट टाइप के समझ लो कि आप वक्ती तौर पे बैठ जाए, सब लाइट्स वगैरह लगी हुई है, ये रात के टाइम में भी है बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल सीट्स भी हैं, चाहें तो आप नीचे बैठ जाएं। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर रहे हैं शाहजेब। और देखिए दूर ना ये बोट भी नज़र आ रही है इसमें। अभी आपको मैं देखती हूँ कि अगर यहाँ पर पॉसिबल है तो फिर हम बोट की भी सैर कराते हैं आपको। और देखिए कितनी प्यारी, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून है, मतलब आप पीसफुल एटमोसफेयर है। इन्होंने यहाँ पे जमात खड़ी कराई है, अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, ज़बरदस्त सब नमाज़ें पढ़ रहे हैं। मैंने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने भी पढ़ ली है। ये जो है इन्हें संभाल रही हैं। अभी हम टक शॉप से कुछ सामान वगैरह लेने आए हैं, ले लो कितने लेने आप? मगर ये है, हो जाएगा ना चेंज। गोलगप्पे भी मिल रहे हैं देखें यहाँ पे, और फ्रेश मज़ेदार गोलगप्पे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं यहाँ पे, पकोड़े भी मज़ेदार ताज़ा ताज़ा बने हुए हैं। पकौड़े अब हम बीच पे जा रहे हैं, और बीच पे जाने के लिए देखें ये इस तरह से काफ़ी कुशादा और आरामदेह सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। आप स्लो स्लो इस पे जाएं, और यहाँ पे इन्होंने ये पानी का सिस्टम रखा है कि जब आप बीच से वापस आते हैं तो पाँव हो जाते हैं रेत में, तो यहाँ से आप ये केन ख़रीद सकते हैं और इससे अपने पैर वगैरह धो के दोबारा वापस आ सकते हैं। देखें ये हम एक जजीरा है, ये एक आयरलैंड है जिसपे हम फिर रहे हैं। किमाड़ी है ना ये, मनोड़ा से किमाड़ी तक का सफ़र हम आपको दिखा रहे हैं, और ये है एक आयरलैंड, एक आयरलैंड पर फिर रहे हैं, और रेत कितनी मज़ेदार है, पाँव दब रहे हैं। घोड़े का बच्चा कहाँ गया? हाँ कितना प्यारा है ये घोड़े का, देखे छोटा सा बच्चा है घोड़े का। क्या ये पानी ठंडा पानी है? ओहो ब्लू बॉटल फिश पड़ी है पानी में, ब्लू बॉटल भी पड़ी है, ये जेली ये बड़ी बुरी तरह काटती है। हाँ ये भी है सऊद, ये बहुत बुरी तरह काटती है, मेरे काटा था इसने, ये नहीं करे ये काटती है। ये जेली फिश पड़ी है देखे कितनी ज्यादा, ये जेली फिश पड़ी है यहाँ पे, वाह भी वाह। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वॉक कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा आगे पानी में जाने का भी है कि जाएंगे, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं, आप जितना नॉर्मल तरीके से इंजॉय करें, ये ना कि किसी चीज़ को अजाब बनाए। अभी ये बस इतना गहरा है कि आराम से आप फिर सकते हैं, पानी ठंडा है ना, है ना ठंडा पानी, वो जा रहे हैं ये लोग आगे। ओए बड़ी ज़बरदस्त लहर आई, आवाज़ सुने एकदम साकिन हो जाता है, शोर मचा के समंदर, गहराई देखें आप समंदर की, देख ही नहीं सकता कोई, अल्लाह ताला की कैसी कुदरत है कि कुछ का कोई एक ज़रा सा भी हम नहीं नाप सकते कि हैं इसमें कितना पानी है, और सिर्फ अल्लाह को पता है कि इसमें कितने कतरे हैं पानी के, इसकी कितनी मिकदार है पानी की, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मखलूकात हैं समंदर में। ये सारे साहिल पे इस तरह करके ये हट बने हुए, इस तरफ देखे बोट भी चल रही है, अभी दूर छोटी छोटी लग रही है।
ये लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और ये हम बस दूसरे आइलैंड के पास पहुँच रहे हैं। इसी आइलैंड का हिस्सा ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, समंदर पे नहीं होता लाइट हाउस, रात में कितना प्यारा लगता होगा यहाँ पे। उकाशा हाँ भाई कैसा लग रहा है उकाशा पानी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इस आयरलैंड के पास और करीब आ गए हैं, ये आ गया है लाइट हाउस और कितनी चीजें उड़ रही हैं यहाँ पे। चाय पीने ऊपर चलेंगे ना अभी के कितने चार्जेस है? 300-400 रुपए ले रहे हैं, मगर ये बार्गेनिंग करने पे पैसे कम भी कर देते हैं। पानी बहुत गंदा है, पानी में से कचरा बहुत ज्यादा निकल रहा है। फिर से हॉर्स राइडिंग हो रही है और आपके लिंता जा रही है खुद घोड़ा चलाने। नहीं भगाना नहीं, ये देखें इन्होंने कितनी अच्छी सवारी कराई है और पैसे भी कम किए। अब जो भी मनोड़ा आए वो इनसे रब्ता करे, इनके घोड़े पे बैठे। ये देखें घोड़े पे बैठते हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे बच्चों को। ये देखे नन्ने मुन्ने बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। बच्चे जो है वो अपने शुगर मेले में लगे हुए हैं। आलमगीर साहब मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स के सर हैं। क्या बात है, ये 100 रुपए की है कि वो 50 की है? क्या नाम है इसका? सदफ। सदफ नाम है। बहुत खूबसूरत सीपड़ी है देखे ये, और ये कितनी प्यारी प्यारी है। नहीं ये तो वो की चेन बन गई है। ले लो ले लो। नहीं यार क्यों? मुझे वो चाहिए ना, दे दो दे दो। लॉकेट चाहिए, लॉकेट का ये चाहिए। चलो अच्छा दे दो फिर। बस अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दिन अब गुजार लिया यहाँ पे, बहुत मजा आया। अब हम वापस आ गए और यहाँ से वॉशरूम वगैरह भी हो ही आए, वो सामने सारे वॉशरूम बने हुए हैं, साफ सुथरे वॉशरूम हैं। और अब हम यहाँ से निकलते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस किस्म के लोग जो आए हुए ना, इनकी बातों पर आप ध्यान ना दीजिएगा। इस किस्म के बड़े लोग छोड़े छोड़े, इग्नोर करें इग्नोर।